जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं जीतिया या जीवित पुत्री का व्रत कथा। बिहार और झारखंड की माताएं इस वक्त एक खास व्रत की तैयारी में लगी हुई हैं। इस व्रत को जीवित पुत्री का जीतिया व्रत या जीतिया व्रत कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीतिया का व्रत मनाया जाता है। इस बार जीतिया का व्रत 6 अक्टूबर 2023 यानी शुक्रवार को मनाया जा रहा है। इस दिन माताएं अपने बच्चों के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। मान्यता है कि जीतिया व्रत कथा सुने बिना अधूरा माना जाता है। ऐसे में हम आपको जीतिया व्रत से जुड़े कथा को बताने जा रहे हैं। जीतिया व्रत कथा को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित है। पौराणिक मान्यता की माने तो इस पर्व का महत्व महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के दौरान अश्वत्थामा अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में घुस गया था, जहां अश्वत्थामा ने शिविर में सो रहे 5 लोगों को पांडव समझकर मार दिया। लेकिन अश्वत्थामा ने गलती से द्रौपदी की 5 संतानों को मार दिया, जिसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसके माथे से उसकी दिव्य मणि निकाल ली। अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया। युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान उत्तरा की अजन्मी संतान को भगवान श्री कृष्ण ने फिर से जीवित कर दिया, जिसके बाद से इस दिन को जीवित पुत्रिका कहलाया। तब से ही अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए माताएं जीतिया का व्रत रखने लगी। कहानी चील और सियारिन की। जीतिया व्रत की कथाओं में एक कहानी सबसे महत्वपूर्ण है। व्रत के दौरान महिलाएं यही कथा सुनाती भी हैं। इस कथा में एक नगर के किसी वीरान जगह पर पीपल का पेड़ था। इसी पेड़ पर एक चील और पेड़ के नीचे एक सियारिन रहती थी। एक बार दोनों ने कुछ महिलाओं को जीवतिया व्रत करते दे इस व्रत को रख लिया। जिस दिन ये व्रत था उसी दिन नगर में किसी की मृत्यु हो जाती है। उसका शव उसी वीरान स्थान पर लाया गया। सियारिन शव को देखकर व्रत की बात भूल गई और उसने मांस खा लिया। वही चील ने पूरे मन से व्रत किया और अगले दिन पारण किया। व्रत के प्रभाव से दोनों अगला जन्म कन्याओं अहिरावती और कपूरावती के रूप में हुआ। जहां स्त्री के रूप में जन्मी चील का राज्य की रानी बनी और छोटी बहन सियारिन कपूरावती उसी राजा के छोटे भाई की पत्नी बनी। चील ने 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कपूरावती बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। इस बात से जल भुनकर उसने एक दिन कपूरावती के 7 बच्चों की सिर कटवा दिया और घरों में बंद कर अपनी बहन के पास भिजवा दिया। उस दिन बड़ी बहन जीवतिया का व्रत कर रही थी। भगवान जिमूतवाहन को याद करके जब उसने 7 घरों पर जल छिड़क दिया तो उसके बेटे जिंदा हो गए। उधर कपूरावती इस बात को लेकर परेशान थी कि उसकी बहन के घर से रोना पीटना अब तक नहीं सुनाई दिया। ऐसे में असलियत जानने वो खुद ही बहन के घर चली गई, लेकिन उसके 7 बेटों को जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। इसी दौरान भगवान जिमूतवाहन भी वहां प्रकट हुए और उन्होंने दोनों बहनों को पूर्व जन्म की कथा सुनाई। कथा सुनने के बाद कपूरावती को बहुत पश्चाताप हुआ और दुख में
अपनी जान गवा बैठी। वहीं बड़ी बहन अहिरावती ने भगवान जीमूत वाहन से वरदान मांगा कि जो भी माता आज के दिन आपकी पूजा करे उसकी संतान को कोई कष्ट न पहुँचे। तब से जितिया व्रत की परंपरा चली आ रही है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।